हेलो एवरीवन, एक बार में आपका स्वागत है गाइस। डीएसएसबी में जो भी आपने एप्लीकेशन किया था तो उसके लिए आपको बता दूं, जुलाई में होने वाले एग्जामिनेशन का कैलेंडर आ चुका है। चलिए देखते हैं आपका कब एग्जामिनेशन है। जैसे देख सकते हैं 10 जुलाई को ये आपको देख सकते हैं। आप बता दूं कौन कौन से किस किस पोस्ट का आपको जुलाई में आपका एग्जामिनेशन है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है डीएसएसबी की, कि अगले महीने में जो भी एग्जामिनेशन जिस दिन होने वाला है, एक महीने पहले हमें श्योर शॉट बता ही देते हैं, और वो भी अब जो पिछले मंथ की स्टार्टिंग की स्टार्ट फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हार्डली, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो 7 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है मैटन का, क्लोरिनियो ऑपरेटर का, ठीक है, और मैटन रिजर्व फॉर फीमेल का, ठीक है, वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, और मैटन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट का। ये ऑर्गेनाइजेशन से डिपार्टमेंट है जिसमें जहाँ पोस्टिंग होगी उनकी, ये पोस्ट है आपकी। तो और ये मैं आपको बता दूँ, इनका टाइमिंग जोन तीनों का अलग अलग है। मैटन और क्लोरिनियो ऑपरेटर का है 8:30 से 10:30, और मैटन और वर्क असिस्टेंट वालों का 12:30 से 2:30, और मैटन और फीमेल क्या है रिजर्व फॉर फीमेल उनका है 4:30 से लेकर 6:30। तो कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट जो रहेगा नेक्स्ट ये आप पोस्ट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये पोस्ट को थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैटन पोस्ट हो सकती है पर अलग अलग होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने अलग पोस्ट कोड यूज़ किया होगा तो उसके लिए अलग होगा। तो आपकी जो 13 तारीख को जो पेपर होने वाला है आप सैटरडे को, वो मैटन का और ड्राफ्ट मैन का है ग्रेड थर्ड का 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में। मैटन फीमेल प्लास्टर एंड असिस्टेंट का है 12:30 से लेकर 2:30, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर लाइब्रेरियन का इसका है 4:30 से लेकर 6:30 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 14 जुलाई को है, 14 जुलाई को है आपका पेपर स्पेशल एजुकेशन टीचर का, मतलब जो फिजिकल वाले होते हैं है ना, उनको स्पेशल एजुकेशन हो जाते हैं 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट का है 12:30 से लेकर 2:30, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है 4:30 से लेकर 6:30। नेक्स्ट चलते हैं 15 जुलाई को, किसका पेपर है 8:30, दो शिफ्ट में केवल इसमें पेपर है, मैनेजर का जो कि सुबह है मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 से 10:30, और पीजीटी होम साइंस डोमेस्टिक साइंस एंड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का जो कि है 2:00 से लेकर 5:00 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 जुलाई, 16 जुलाई को जो पेपर है वो दो शिफ्ट में ही है केवल, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर का, सब इंस्पेक्टर का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8:30 से 10:30, और दूसरा है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल का 2:00 से लेकर 5:00 तक का, ठीक है। बात करते हैं इसमें देखो पोस्ट कोड ऊपर नीचे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी वैकेंसी की जो पोस्ट होती है किसी भी कारणवश आगे पीछे हो जाती है, बदलने की वजह से या फिर कोई डिपार्टमेंटल इशू के कारण, तो वो पोस्ट कोड तो ऊपर नीचे हो सकती है, कोई सीरियल वाइज नहीं हो सकती, बट आपकी पोस्ट अपने दोबारा वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 20 जुलाई को किसका है 8:30 से लेकर 10:30, मॉर्निंग शिफ्ट में है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एंड ओटी असिस्टेंट का, और मिड डे का है 12:30 से लेकर 2:30 बजे का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेडियोग्राफर का, एंड इवनिंग शिफ्ट में है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का। 21 जुलाई को जो आपका पेपर है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड फोरमैन का है मॉर्निंग शिफ्ट में, और 2 बजे और मिड डे की शिफ्ट में है 2:00 से लेकर 5:00 के बीच में पीजीटी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीजीटी एंड टीजीटी सबका पेपर हो रहा है, ठीक है। 27 तारीख को है पेपर कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 8:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में, और जो मिड डे की शिफ्ट में 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में, इसमें सब असिस्टेंट अटेंडेंट का ग्रेड 2 का और साइंटिफिक असिस्टेंट का, और इवनिंग शिफ्ट में है 4:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच में, जो कि है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो यहाँ पे जुलाई में होने वाले सभी एग्जामिनेशन की डेट मैंने आपको बता दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।